सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने बॉलीवुड पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस और सितारों पर सुशांत से बात ना करने और बैन किए जाने के आरोप लग रहे हैं, लिहाजा बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि करण जौहर, संजय लीला भंसाली और सलमान खान समेत 8 लोगों के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में केस दर्ज हुआ है। दरअसल सुशांत की आत्महत्या को हत्या करार दिया गया है और इसका आरोप फिल्म इंडस्ट्री की कुछ नामचीन हस्तियों पर लगा है। इन सभी पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने सुशांत को अपने अपने प्रोडक्शन हाउस पर बैन किया हुआ था। इन सभी के खिलाफ बिहार में आईपीसी की धारा 306, 109, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वकील सुधीर ओझा ने इन सभी कलाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। देखिए, बिहार के उभरते कलाकार जो सुशांत सिंह राजपूत जो थे, जिनकी मैंने सुसाइड की खबर आई कि उनकी सुसाइड से आत्महत्या कर ली है, मृत्यु हो गई है, इसी को लेकर के मैं मुंबई के जो निर्माता निर्देशक हैं करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नडियाडवाला, सलमान खान, संजय लीला भंसाली, भूषण कुमार, एकता कपूर समेत 8 के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 109, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज माननीय सीजीएम मुजफ्फरपुर अदालत में दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि जिस तरीके से टीवी और अखबारों में खबर आई है उससे स्पष्ट है कि इन सभी के द्वारा जो बाइकाट उसका किया जा रहा था और लगभग सात फिल्म जो उससे छीनी गई, कई फिल्म जो निर्माण होकर के पड़ा हुआ था रिलीज होने से रोका गया, किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए खबर नहीं की जाती थी, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया कि जिसके कारण वह व्यक्ति सुपरस्टार नहीं बन सके, वह सुसाइड कर ले, या सुसाइड नहीं हत्या है। इसी के आरोप में दर्ज मुकदमे में माननीय सीजीएम साहब ने गंभीरता से लेते हुए 3 जुलाई की तिथि स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए मुकर्रर की। दरअसल सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो पिछले कई महीनों से अवसाद में घिरे हुए थे, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की थी। लेकिन बॉलीवुड जगत के ही कई सितारों ने कुछ बड़े सितारों पर आरोप लगाया है कि सुशांत को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया था। देश भर में सलमान खान, करण जौहर, आलिया भट्ट समेत तमाम प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला जा रहा है। ट्विटर पर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड कर रहा है। इसी बीच सलमान खान, करण जौहर और आलिया भट्ट समेत कई स्टार्स को लोगों ने अनफॉलो करना शुरू कर दिया है। तेजी से इनके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं। कंगना रनौत ने भी बेबाकी से आगे आकर अपनी राय रखी और कहा कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि ये एक प्लान मर्डर है। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने सुशांत को ये एहसास कराया कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सुशांत ने ये कदम उठाया। निखिल द्विवेदी, शेखर कपूर, रवीना टंडन, रणवीर शौरी समेत कई सितारों ने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भाई भतीजावाद का काला चिट्ठा खोला है। बॉलीवुड के तमाम सितारों के अलावा राजनेताओं ने भी फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के मुद्दे को उठाकर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम, महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख, एथलीट और भाजपा नेता बबीता फोगाट, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी बॉलीवुड निर्माताओं के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की थी। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद चारों तरफ बवाल हो रहा है। हाल ही में पटना में सलमान, आलिया और करण जौहर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था और सुशांत के लिए कैंडल मार्च निकाली गई थी। जाहिर है इन सितारों की मुश्किलें बढ़नी अब लगभग तय मानी जा रही हैं। हालांकि इनमें से किसी ने भी इस पूरे मामले पर अभी तक कोई सफाई नहीं दी है।